सर आज सभी मस्जिद वालों के मौलवियों को और उनको बुला के आपने क्या मैसेज दिया? आज हम शहर पुलिस स्टेशन का हद्दी में सारे मस्जिद का मौलवी और शांतता कमेटी का लीडर्स का एक मीटिंग लिया है। उसमें हम सबको एक सूचना दिया है कि जो भी हमको वरिष्ठ अधिकारी से आया है सूचना कि अभी जो भी लाउड स्पीकर रहता है मस्जिद के ऊपर, जो भी है मस्जिद है, मंदिर है, चर्चे सारे और मंगल कार्यालय है, सबको ये आदेश पालन होना चाहिए। तो हम ये आदेश ये उनको सूचना दिया है कि 6 बजे से, सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे के बीच में जो भी लाउड स्पीकर चालू करने के लिए परवानगी ले लो, एक परवानगी के लिए एक अप्लीकेशन दे दो करके उनको सूचना दिया है। तो वो ये कायदा फॉलो करने के लिए उनको रिक्वेस्ट भी किया है, वो भी हमको अच्छा से कोऑपरेशन के लिए भी मदद करते हैं करके बोला है। बंद किया है उसके लिए तो परमिशन नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ क्लियरली कि हमारा परवानगी हम 6 बजे से, सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे के बीच में ही चलाना है जो भी अगर लाउड स्पीकर चलाना है। तो 6 बजे का पहले हमको परवानगी देने के लिए हमको ही अधिकार नहीं है, खुद को हम कुछ दे नहीं सकते हैं। उसको भी हमने वही रिक्वेस्ट किया है, वो फॉलो करो करके। आज SDPO कुमार चिंता साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी शहर पुलिस स्टेशन की हद में, जितनी मस्जिद आती है उनके जिम्मेदारान को यहाँ शहर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और चिंता साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया और हमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2005 का उसको यानी अमल में लाना है, जिसमें सुबह 6 से 10 बजे तक का माइक आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अजान दे सकते हैं और रात में 10 से 6 के बीच में कोई भी यानी ध्वनि प्रदूषण होना नहीं चाहिए, नॉइस पोल्यूशन होना नहीं चाहिए, उसकी उन्होंने हमें ताकीद की। तो हम जितने भी मस्जिद के यहाँ जिम्मेदार आए थे उन्होंने उनकी बात को लबैक कहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वो ऑर्डर को फॉलो करने की हामी भरी हमने। मैं एजाज अब्दुल गफ्फार मलिक, प्रेसिडेंट अंजुमन तालीमुल कुरान मस्जिद नूर काडाफेल जलगांव।